गुड आफ्टरनून नामित, ट्राई किया था कोई कल वाला क्वेश्चन जो था? यस सर, किए थे सर, पर कुछ क्वेश्चंस के दो दो ऑप्शन सही आ रहे हैं। हाँ चलो बढ़िया है, डिस्कस करते हैं। मैंने भी वो कल वाला क्वेश्चन किया था ट्राई, एंड शुरू करते हैं उसको। अच्छी प्रैक्टिस चाहिए इन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। यू रिक्वायर ए वेरी गुड स्किल सेट। और तो नहीं है तुम्हारी कोई फ्रेंड कोई जो जो ज्वाइन करना चाहती है? दैट इज बिकॉज मेरा ना माइक्रोफोन ही चल रहा था उस टाइम पे। कोई है आपके लिंक में तो बोल दो उनको। सर सुखजीवन ही होती है, वो देखती है उसको बोलकर। हाँ सुजीवन को बोल दो, सुजीवन को बोल दो, दो चार जो बच्चे ज्वाइन करते हैं कम से कम उनको बोल देते हैं। यस अतुल ये कर लो बेटा, कर लो कैमरा ऑन। ठीक है चलो करते हैं स्टार्ट। जो भी हमारा आज का टॉपिक है दैट इज व्हाई टू वेस्ट फर्दर टाइम। ठीक है जी, तो कल वाला जो मेजर क्वेश्चन था हमारा दैट इज आई विल शेयर द स्क्रीन। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन ना, जहां पे हम ट्राई कर रहे थे कंसिडर द फॉलोइंग डाटा फ्रेम एंड आंसर द फॉलोइंग फोर क्वेश्चन आउट ऑफ फाइव। वन से फाइव में से हमने फोर क्वेश्चन आंसर करने थे। तो पहले तो मेन है कि इसको अगर हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है सो वी हैव टू मेक इट ए डाटा फ्रेम। सो नाउ मूविंग टू दी सो दिस इज द
जुपिटर नोटबुक। तो पहला क्वेश्चन है कि हमने ये डाटा फ्रेम बना लिया, और जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था, क्लियर, सो यू कैन कीप द कॉपी विद यू। पहले क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, टू फाइंड द मैक्सिमम हमने फाइंड आउट करना था फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, मैक्स फंक्शन अप्लाई करना था, ठीक है। सो आई कैन शो यू द ऑप्शंस हियर आल्सो, जो ऑप्शंस थे हमारे पास, ठीक है। ये सैंपल पेपर आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। तो इसमें से हमने मैक्सिमम फाइंड आउट करना था, वो कल जो आपने बताया था दैट वाज द राइट आंसर। सो इसकी एग्जीक्यूशन होनी कैसे है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ मैक्स फंक्शन। ये सिंपल ही था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जस्ट ये हमने डिक्शनरी को कन्वर्ट किया डाटा फ्रेम में, और इसके ऊपर मैक्स फंक्शन अप्लाई किया। तो लाइक यू हैव आंसर्ड यस्टरडे कि हर एक कॉलम में से ये मैक्सिमम वैल्यू पिक करके यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। जैसे जैसे मेरे पास कॉलम है दैट इज द UT1 में भी मैक्सिमम वैल्यू 24 है, UT2 में भी 24 है, और यहाँ पे हम 25 रख लेते हैं, दैट इज वी मेक वन चेंज हियर, 25 कर दें, एंड यू जस्ट रन दिस वन, रन कुछ और ही कर दिया हमें, ये दिस इज द प्रोग्राम वी नीड टू रन, रन दिस वन एंड यू सी, अब UT3 में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 25, ठीक है। तो हर एक कॉलम में से ये मैक्स फंक्शन क्या करता है, मैक्स फंक्शन फेचेस द मैक्सिमम वैल्यू, और जो बाकी है मैक्स, क्योंकि मैक्स फंक्शन है तो ये पेरेंसिस रिक्वायर्ड है, बाकी ऑप्शन में वो पेरेंसिस अवेलेबल नहीं थे। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन आल्सो। सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये है, सेकंड क्वेश्चन में मैंने चारों ऑप्शन यूज करके देखे हैं। इसमें तुम्हारा आया अमनप्रीत, तुम्हारा आंसर इसमें? सर मेरा फर्स्ट और लास्ट दोनों से आ गया था, फर्स्ट और लास्ट दोनों से आ गया था, और मेरा फर्स्ट से भी नहीं आ रहा और लास्ट वाले से भी नहीं आ रहा। चलो इससे अच्छा है कि वाई टू वेस्ट टाइम, मैं प्रैक्टिकल है मेरे पास, उसको खोल के देख ही लेते हैं। दैट इज ठीक है, तो ये है मेरे पास, ये कौन सा ऑप्शन मैंने इंप्लीमेंट किया है, सो आई विल सी दिस वन, डीएफ रोल नंबर। पहले पहला ऑप्शन ही ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, वहां पे था डीएफ एंड देन डीएफ में क्या था, रोल नंबर। सर डाटा फ्रेम में रोल नंबर कैपिटल से लिखा हुआ है और उसके बीच में स्पेस भी है। हाँ, यही चक्कर है। गुड 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 गुड। ये है कॉपी पेस्ट करने का नुकसान, रोल नंबर यहाँ पे स्पेस भी उड़ा देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ से वहां पे है। अच्छा, तभी आपका फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट में हाँ, तो ये है हमारे पास जो फोर्थ रो है, बेसिकली फोर्थ रो ही हमने डिस्प्ले करवानी थी, रोल नंबर फोर इज फाल्गुनी जैन, उसको डिस्प्ले करवाना था, ठीक है जी। और दूसरा ऑप्शन और लास्ट वाले का भी सेम आंसर आ गया था आपका, डीएफ, यस सर, डीएफ डॉट रोल नंबर है ना, डीएफ डॉट रोल नंबर, DF नंबर, यस, बेस्ट इसका सोल्यूशन यही है कि हम प्रैक्टिकली इसको करके देखें। DF डॉट यहां पे तो ये बोल रहा है इनवैलिड सर, ऑप्शन में शायद कोट्स नहीं है रोल नंबर के पास।
यस, वन और फोर दोनों की सेम आ रही है, ठीक है। तो ये मतलब कि इसमें से तो इस तरह के क्वेश्चन में तो आप लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा, वेयर वेयर वी हैव बेसिकली टू सेम आंसर्स आर देयर, ठीक है जी। सो मूविंग टू दी थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन इतने इजी नहीं है, दैट इज जिसको प्रैक्टिकली अच्छी नॉलेज है ही विल बी एबल टू आंसर। तो इसमें क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल गिव द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैल्यूज इन ईच कॉलम ऑफ द डाटा फ्रेम। तो ये बेसिकली काउंट ऑपरेशन काउंटिंग करता है, क्लियर। और जीरो का मतलब होता है रो वाइज, ठीक है, रो वाइज कैलकुलेशन करके देगा, और बाय डिफॉल्ट भी ये रो वाइज ही कैलकुलेशन करता है, ठीक है जी, अगर हमने कोई पैरामीटर इसमें मेंशन नहीं किया। तो इसका ऑप्शन आएगा बोथ ए एंड बोथ वन एंड टू, ए वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। So I have already implemented this for better clarity on this question. इसका best way यही है इसको cross check करने का, इसको run करके देखो, ठीक है जी। तो ये है कि मैंने ये count simple count function से भी इसको run किया है, count zero से भी किया है। Zero means that is we are going to apply a row wise operation, ठीक है जी। तो ये मैंने दोनों को run किया हुआ है, that is first option से भी ये output आ रही है हमारे पास कि कितने टोटल रोल नंबर हैं सिक्स, नेम्स कितने हैं सिक्स, UT1 में कितनी वैल्यूज हैं सिक्स, तो हर एक कॉलम में सिक्स वैल्यूज हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग सिक्स एज आंसर, क्योंकि काउंट ऑपरेशन क्या करता है, काउंटिंग करता है, तो दोनों में रो वाइज काउंटिंग होगी, ठीक है जी। अगर मैं यहां पे काउंट वन करता हूं, ठीक है, तो देखो मेरे पास ऑपरेशन क्या है, आंसर फिर भी यही आ रहा है, बट अब ये ऑपरेशन कैसे है, अब ये कॉलम वाइज है, यू आर गेटिंग और नॉट, क्योंकि कॉलम में भी हमारे पास सिक्स सिक्स वैल्यूज ही हैं, ठीक है जी। सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द सेम सॉर्ट ऑफ आंसर, ठीक है जी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, बेसिकली हमने क्या करना था इसके अंदर, चलो मैं स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ, हो सकता है किसी के पास ना हो इसका आंसर। तो इसमें क्या था, विच ऑफ दी फॉलोइंग कमांड्स विल डिस्प्ले दी कॉलम लेबल्स। तो कॉलम लेबल्स का भी हमने रिसेंटली भी किया था, और आई विल शो यू वन मोर डायग्राम, एक मैंने स्नैपशॉट रखी हुई है अपने पास, सो आई विल शेयर दैट स्नैपशॉट ऑल्सो, उस स्नैपशॉट से आप लोगों को और क्लैरिटी हो जाएगी। यस, तो ये स्नैपशॉट आप लोगों को दिखाई दे रही है। तो इसमें क्या है हमारे पास, दीज आर द कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। ये डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के सारे एट्रीब्यूट्स हैं, इंडेक्स उसका एट्रीब्यूट है, कॉलम्स उसका एट्रीब्यूट है, तो कॉलम्स ही हमने यहां पर यूज करना है, कॉलम ये कॉलम लेबल्स के लिए डिस्प्ले करने के लिए होता है, ऐसे ही एक्सेस को डिस्प्ले करने के लिए, डाटा टाइप्स के लिए, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स और फंक्शन में अमनप्रीत कोई आप डिफरेंस बता सकते हो, एट्रीब्यूट और फंक्शन में डिफरेंस कैसे पता चलता है, आई विल शो यू द डिफरेंस। एट्रीब्यूट के साथ शायद राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगते और फंक्शंस के साथ लगते हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली यही आंसर इसका। देखो जब हमने ये कॉलम क्या है, एट्रीब्यूट है, कॉलम्स बेसिकली, कॉलम नहीं है कॉलम्स है, तो इसके साथ कोई भी ये जो पेरेंसिस हैं वो नहीं आ रही, जैसे फंक्शंस में क्या होता है ऐसी पेरेंसिस बनी होती हैं, ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट्स में वो नहीं होती। तो दिस इज द कॉलम्स, जिससे हमें क्या हो जाएगा, कॉलम लेबल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, और ऑलरेडी इसको रन किया हुआ है, दीज आर द कॉलम लेबल्स, रोल नंबर है कॉलम लेबल, नेम है, UT1 है, UT2, UT3, UT4। तो क्वेश्चंस इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसके अंदर हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ये देखो इसके अंदर देखो ऑप्शंस कितने ट्रिकी हैं, ऑप्शंस में क्या है हमारे पास, एक में कॉलम से लिखा हुआ है, एक में कॉलम लिखा हुआ है। अगर किसी को हल्की सी डाउट हो गई कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, जैसे ये फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में कॉलम्स है, दूसरे ऑप्शन में कॉलम है, तो कॉलम्स इज दी, ये तो फंक्शन दिया हुआ है, ये दोनों रॉन्ग है, और सी और डी के अंदर
एक कॉलम यूज किया है और डी के अंदर कॉलम यूज किया. सो कॉलम इज द राइट आंसर. पहले दो के अंदर क्योंकि ये फंक्शंस बनाया है, कॉलम इज नॉट ए फंक्शन, कॉलम इज ए एट्रीब्यूट. तो ये थोड़ा जिसको थोड़ा इन चीजों की क्लैरिटी है ही विल बी एबल टू आंसर इट प्रॉपरली. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था हमारे पास कि हम बेसिकली एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं. वी वांट टू ऐड ए न्यू कॉलम. सो आई विल शो यू द क्वेश्चन आल्सो. एक्चुअली अतुल के पास नहीं होगी ये अवेलेबल. सो अतुल यू कैन लुक एट दिस क्वेश्चन. पढ़ोगे इसको? सर फोर्थ वाला नहीं, फोर्थ वाला हो गया, फिफ्थ है अभी. Miss Sharma, the class teacher, wants to add a new column. The scores of grade with the values A, B, A, A, B, A to the data frame. Help her choose the command to do so. तो basically इस question में क्या है, जो Mrs. Sharma जो class teacher है वो एक नया column add, तो data frame में एक नया column add करना चाहती है. ठीक है, तो ये मेथड है हमारे पास, एक इस मेथड से किया हुआ है, एक दूसरे मेथड से किया, तीसरा है और ये चौथा है. इन चारों ऑप्शंस को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. सो बिकॉज आई थिंक आई फाउंड दिस क्वेश्चन आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. दो मेथड्स इसमें मैंने किए हुए हैं. ये देखो पहले के अंदर तो ये है सिंपली df और जो हमारा डाटा फ्रेम है, और स्क्वेयर ब्रैकेट्स में अगर हम कॉलम नेम लिखते हैं सो दैट इज द वे ऑफ एडिंग द, ये पहला मेथड है, ये पहला मेथड है कॉलम ऐड करने का. तो ये तो राइट आंसर है. ये कौन सा ऑप्शन था अमनप्रीत, कौन सा ऑप्शन था ये? देखें क्वेश्चन में से, ये बेसिकली बी ऑप्शन था ये. ठीक है, लेकिन सी सी ऑप्शन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में मैंने ये सी ऑप्शन ट्राई किया हुआ है. ये विंडो आपको दिखाई दे रही है? यस अमनप्रीत, ये विंडो दिखाई दे रही है ये? यस सर. हाँ, तो देखो इसके अंदर जो एलओसी मेथड है ना उससे भी हम कॉलम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर. ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन के अंदर देखो, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ है. यू लुक एट द क्वेश्चन. क्वेश्चन के अंदर एलओसी और यहाँ पे कोई कॉलन वगैरह यूज नहीं किया हुआ सी ऑप्शन के अंदर. बट यू सी मैंने इसको कोलन से कोलन के साथ इसको इंप्लीमेंट किया है. एंड यू सी इसके अंदर क्या है, देखो एलओसी के अंदर क्या था, दो चीजें होती हैं. एक तो कोलन से कॉमा से पहले क्या होता है हमारे पास, रो होती है रो, और कॉलम कॉमा के बाद होता है कॉलम. पहले होता है हमारे पास जिससे हम रो को एक्सेस करते हैं और सेकेंड पार्ट हम कॉलम को एक्सेस करते हैं. तो अगर आप सेमी कोलन कॉमा ग्रेड लिखोगे तो इससे भी आप एक कॉलम ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज द सेकंड मेथड. मैं यही बुक के अंदर देख रहा था तो मैंने इसको रन करके देखा. इस मेथड से भी देखो यू कैन ऐड ए कॉलम. क्लियर, तो अगर ये ऑप्शन है दूसरे ऑप्शन में कुछ वो प्लस माइनस कर देता है तो ये भी इससे भी आप इसका भी एक आंसर बन जाएगा. सो क्वेश्चन पेपर, मेरा आपको कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन पेपर इज वेरी वेरी ट्रिकी. तो जिस बच्चे की बहुत अच्छी प्रेपरेशन है ही विल बी एबल टू आंसर एंड आंसर इट करेक्टली. ठीक है जी, मूविंग टू दी आगे. नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये डाटाबेस का क्वेश्चन है. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि डाटाबेस की वेटेज भी उतनी है जितनी पाइथन की वेटेज है. और जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि डाटाबेस में स्कोर करना इज मच मोर इजी एज कंपेयर टू पाइथन. क्योंकि पाइथन के अंदर आपको हर एक सिंटैक्स का पता होना चाहिए. इसमें तो बेचारी स्टेटमेंट्स ही 5-10 हैं टोटल. तो इसमें हमारा सिलेबस बहुत कम है एंड यू कैन स्कोर 100 वेरी इजिली. मीन्स इसमें आप सारा का सारा स्कोर बड़ी इजिली कर सकते हो. तो ये हमारे पास एक टेबल है. अब टेबल में देख लो, रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, सिटी है एंड मार्क्स. फर्स्ट क्वेरी अतुल आप करो ट्राई. इजी है ये, इस तरह की आउटपुट चाहिए हमें. ये जो ऊपर लिखा है ये ऐसी आउटपुट चाहिए हमें. तो नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से
चार चार वे दिए हुए हैं, इसमें से बेस्ट बताओ कौन सा ऑप्शन है नीचे, बोथ वन एंड टू ऑल्सो, बोथ थ्री एंड फोर, वन टू थ्री फोर, एनी ऑफ द ऑप्शंस ऑफ वन वन टू फोर और ओनली थ्री। पहले टेबल देखो अच्छी तरह से, द बेस्ट वे टू लुक एट द टेबल। अब देखो इसमें क्या है, टेबल जो टेबल दिया हुआ है, जो आंसर है, आंसर के अंदर हमें सिर्फ नेम चाहिए, और नेम भी देखो नेम कैसे हैं, नेम भी पहले चार बच्चों के चाहिए, अनंत, चेतन, गीत, प्रीति। तो ये चार पहले बच्चे हैं, अनंत, चेतन, गीत, प्रीति, तो यही चार बच्चे हमें चाहिए, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इन चारों की कॉमन बात क्या है कि क्लास, तो देखो क्लास तो सानियाल की भी ट्वेल्थ है, और ये जो स्टूडेंट है इसकी भी इलेवंथ क्लास है, तो इनमें कॉमन चीज क्या है, ये सिटी नेम कॉमन है, आगरा मुंबई, आगरा मुंबई, ठीक है जी। सो दैट्स व्हाई आप देखो आंसर के अंदर क्या है, इसका आंसर बनेगा, देखो जो थर्ड क्वेरी है, थर्ड क्वेरी के अंदर क्या लिखा है, सिलेक्ट अ नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज इक्वल टू आगरा और मुंबई, तो आगरा वाले भी सिलेक्ट हो जाएंगे, मुंबई वाले भी सिलेक्ट हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन है सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इन आगरा एंड मुंबई, तो इन इन के अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो जो पैरामीटर हमारा मैच करता जाएगा वो सारे सिलेक्ट होते जाएंगे, तो आगरा भी सिलेक्ट हो जाएगा, मुंबई भी सिलेक्ट हो जाएगा। सो आई थिंक इसका ऑप्शन आएगा बी, बोथ थ्री एंड फोर विल बी द आंसर। क्लियर? यस अतुल, यू गॉट द आइडिया। देखो इसमें बेटा स्कोर करना बड़ा इजी है, जो इसमें स्कोर नहीं कर पाएगा तो वो तो पक्का फंस जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कमांड, इसमें क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट वेयर जेंडर इज इक्वल टू एफ ऑर्डर बाय मार्क्स। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि एफ से क्या हो जाएगा कि जितने फीमेल कैंडिडेट है वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे एफ से, और फिर क्या करना है, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको क्या करना है, उसको ऑर्डर बाय करना है, ऑर्डर बाय मार्क्स। ऑर्डर बाय मार्क्स का मीनिंग क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जब भी हम ऑर्डर बाय क्लास का यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करती है, तो मींस एक तो सारी फीमेल जो जो स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी, और प्लस उनके मार्क किस ऑर्डर में आ जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। और आई थिंक दैट यू कैन सी हियर, बिकॉज इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम बहुत ज्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन करें। सो आई थिंक इन दी ऑप्शन बी ये सारे फीमेल कैंडिडेट्स भी सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, एंड एज वेल एज देयर मार्क्स आर इन दी असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? और अगर इसके साथ मैं ये डीईएससी लिख दूंगा तो डीईएससी मेरे को स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ता है अगर मेरे को मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। मूविंग टू दी यस क्वेरी नंबर थ्री, यस अमनप्रीत आप पढ़ो और आप आंसर करो इसका। Prachi has given the following command to obtain the highest marks. Select max marks from student where group by class. But she is not getting the desired result. Help her with the by writing the correct command. Select max marks from class. ये छोड़ दो, आप चार ऑप्शन आप अपने माइंड में पढ़ लो, ये आप बताओ इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, आंसर क्या होगा इसमें से। देखो अतुल आपको क्वेश्चन क्लियर है, ये देखो बेटा ये हमें ना ये जो मैंने सिलेक्ट किया है ना, ये क्वेरी प्राची लिख रही है, प्राची ने ये क्वेरी लिखी बट उसको सही आंसर नहीं आ रहा उसका। नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमने बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जिससे उसका सही आंसर आ जाएगा। वो फाइंड आउट क्या करना चाहती है, बेसिकली शी इज ट्राइंग टू फाइंड आउट दी मैक्सिमम मार्क्स, वो फाइंड आउट करना चाह रही है एज वेल एज दी यस। सर बी ऑप्शन लग रहा है मेरे को। बी, अच्छा बी में क्या है देख लेते हैं एक बार, सिलेक्ट क्लास मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय मार्क्स। तो एक तो ये हो गया हमारे पास ऑप्शन, पहला क्या है, एक एक करके सर फोर्थ लग रहा है। चलो एक एक करके सारे ऑप्शन डिस्कस। प्राची हैज गिवन द फॉलोइंग कमांड टू ऑब्टेन द हाईएस्ट मार्क्स, वो फाइंड आउट करना चाहती है फ्रॉम द From group by class, तो ठीक है group by class भी वो कर रही है साथ साथ में। पहले में है maximum marks, where, देखो where वाला तो बाहर हो जाएगा, where के साथ कभी भी group by class नहीं लगती, तो पहला option तो discard हो गया। दूसरा option है
दैट इज क्लास आ गई उसकी और मार्क्स आ गए एंड बाय मार्क्स, तो ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है जी। और सर पर क्वेश्चन च ग्रुप बाय क्लास करन ओके, पहले एक बार देखते हो, पहले तो जो ऑप्शन हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, ये थर्ड ऑप्शन भी सीधा ही डिस्कार्ड हो जाएगा, सी ऑप्शन, ग्रुप बाय पहले लिखा हुआ है, फ्रॉम बाद में लिखा हुआ है। अब बेसिकली कंपटीशन है बी और डी के बीच में, हमने बेस्ट फाइंड आउट करना है, एंड ग्रुप बाय क्लास। देखो मार्क्स, मार्क्स को तो मार्क्स को क्यों करना है हमें ग्रुप बाय, मार्क्स को कर लें ग्रुप बाय। यस सर, मैंने अभी देखा उधर क्लास लिखा हुआ है। हाँ तो ये क्लास क्लास में तो ऑलरेडी उसने किया हुआ है, ठीक है, तो ठीक है, ये डी ऑप्शन ही आएगा, ठीक है, ग्रुप बाय क्लास, क्योंकि क्लास में से हम फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं कि प्लस वन में से मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं और प्लस टू में से किसके हैं, तो ग्रुप बाय क्लास ऑन क्लास ही लगेगी, ठीक है, तो ठीक है, उसने भी रेक्टिफाई कर लिया, अमनप्रीत ने भी, सो शी हैज मूव्ड टू द बी आंसर। तो देखो थोड़े थोड़े से ट्रिकी है, कम से कम जो ऑप्शन आप डिस्कार्ड कर सकते हो पहले वो तो डिस्कार्ड कर लो, ठीक है, एंड देन लुक फॉर द बेस्ट ऑप्शन। ये आवाज कहां से आ रही है, म्यूट कर लेना। हाँ यस थैंक यू, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर फोर इज, चलो ये मैं आप लोगों की हेल्प के लिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ ये क्वेश्चन। स्टेट द कमांड टू डिस्प्ले द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ईच जेंडर हु आर इन क्लास 11। तो अब हम मेरे को बच्चे भी क्लास 11 के चाहिए, एंड स्टेट द डिस्प्ले द एवरेज मार्क्स मेरे को बताने हैं ऑफ ईच जेंडर, मीन्स बॉयज के अलग से और गर्ल्स के अलग से एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास 11, ठीक है जी। तो फर्स्ट है सिलेक्ट, ये एवरेज मार्क्स बता रहा है, वेयर क्लास इज 11th एंड ग्रुप बाय क्लास 11 सिलेक्ट हो जाएगी, फिर ग्रुप बाय जेंडर हो जाएगा, फिर जेंडर और एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। मेरे को तो पहला ऑप्शन ही ठीक लग रहा है, नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज सिलेक्ट जेंडर एवरेज मार्क्स फ्रॉम, देखो ग्रुप बाय पहले नहीं होगा, ग्रुप बाय तो बाद में ही होगा, ग्रुप बाय पहले कभी नहीं होगा, ये बी ऑप्शन भी गलत है, सी सेकंड ऑप्शन भी गड़बड़ है। थर्ड देख लेते हैं, द जेंडर एवरेज मार्क्स ग्रुप बाय, ये भी ग्रुप बाय पहले आ गया, ये तो ये भी गलत है। फोर्थ क्या है, सिलेक्ट जेंडर फ्रॉम स्टूडेंट्स ग्रुप बाय जेंडर हैविंग, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हैविंग क्लास होती है जेंडर के ऊपर कंडीशन होती है, लेकिन हमने जेंडर भी सिलेक्ट करना है और क्लास भी सिलेक्ट करनी है, तो आई थिंक ए फर्स्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। फर्स्ट फर्स्ट के साथ और भी है, फर्स्ट अकेला कहीं पे भी नहीं है, फर्स्ट एंड फर्स्ट का तो कोई नाम ही नहीं है, फर्स्ट थर्ड के साथ है सी में, सी में क्या है, सिलेक्ट जेंडर मार्क्स ग्रुप बाय जेंडर फ्रॉम, सी तो हो नहीं सकता, थर्ड वाला तो डिस्कार्डेड ही है, थर्ड ओनली मीनिंग टू एंड फोर, टू एंड फोर में क्या है हमारे पास, सिलेक्ट जेंडर एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स ग्रुप बाय जेंडर, हाँ ग्रुप बाय जेंडर। यस अमरप्रीत बताओ, तुम्हारा तुम्हें क्या लगता है कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? मेरे को लगता है मेरे को कंफ्यूजन हो रही है। हाँ, ये बेस्ट इसका आंसर है, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली करके देखना चाहिए, इसका एक टेबल बना के क्लियर, सो वी विल ब्रिंग दिस क्वेश्चन इनटू द नेक्स्ट नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास होगी इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली करके देखेंगे, बिकॉज इसके अंदर एम्बिग्यूटी है, क्योंकि ये मल्टीपल ऑप्शन है, कोई अकेला ऑप्शन नहीं है, बोथ टू एंड थ्री भी है, टू एंड फोर भी है, वन, मेरे को तो बेस्ट ऑप्शन इसमें ये फर्स्ट वाला लग रहा था, बट चलो फिर भी इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, वी विल लीव दिस क्वेश्चन। Moving to the next question. Next is help Ritesh to write the command to display the name of the youngest student. So youngest student के लिए कैसे वो find out करेगा? Which will be the A B C D में से best option कौन सा होगा? Yes. Any one of you can answer. Sir, शायद second. हाँ ये भी बढ़िया, क्योंकि जो जो मिनिमम एज होगी वो
बड़ा हो जाएगा बच्चा ना, तो जो डेट ऑफ बर्थ सब तो मिनिमम होना, तो मैक्सिमम एज होगी उससे बच्चा छोटा आएगा। तो गुड 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 वे ऑफ आंसरिंग, वेरी गुड अतुल। तो बी बी ऑप्शन आई एम आल्सो फाइंडिंग आउट बी इज द करेक्ट। ठीक है, ये मैक्सिमम वाला तो होता ही नहीं है और मिनिमम हमने सिलेक्ट ही नहीं करना है। देखो बड़ी बड़े ट्रिकी क्वेश्चन है इसके अंदर, तो माई हम्बल रिक्वेस्ट इज की थोड़ा सा इसको थोड़ा अपना लेवल भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये जैसे ये 24 है, ट्राई टू डू दिस प्रैक्टिकली, बड़ा इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जस्ट इसको हमने सीरीज में कन्वर्ट करना है। क्या समनप्रीत आप बता सकते हो कैसे हम इसको सीरीज में कन्वर्ट करेंगे? सर पहले इसकी डिक्शनरी बनाकर और उसको पीडी डॉट सीरीज फंक्शन लगाकर सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, 2-3 लाइन का कोड है। ठीक है, पहले बेस्ट मेथड है, इसको हम बना देंगे डिक्शनरी। ठीक है, और इसको हम ले कन्वर्ट करवा लेंगे इंडेक्स में भी। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमने इंडेक्स में कन्वर्ट भी करना है। ठीक है, ये चीज हमें ऐड करनी पड़ेगी डिक्शनरी के, जब हम सेकंड पैरामीटर डालते हैं उसके अंदर। जब हम सीरीज में कन्वर्ट कर देना पीडी डॉट सीरीज, तो कॉमा हम इंडेक्स भी वहां पे मेंशन करेंगे साथ में कि ये वाला जो पार्ट है दैट हैज टू बी इंपोर्टेड एज इंडेक्स। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, 25th क्वेश्चन इज, स्टेट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन सिंगल रो फंक्शंस एंड मल्टी रो फंक्शंस। बड़ा इजी क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया था जितने मैथमेटिकल फंक्शंस हैं वो सारे सिंगल रो हैं, जितने टेक्स्ट फंक्शन है वो सिंगल रो हैं, और जितने एग्रीगेट फंक्शंस हैं वो मल्टीपल रोज हैं। जैसे एवरेज फंक्शन है तो वो मल्टीपल रोज के ऊपर लगता है। ठीक है, और जो हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन है, पावर फंक्शन है, ये है, वो सारे सिंगल रो के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। और कोई इसके अलावा डिफरेंस? यही है मेन डिफरेंस। एक एक एग्जाम्पल दे सकते हैं और दूसरा डिफरेंस अगर बताना हो, कोई और डिफरेंस क्या बनेगा? चलो मेजर तो यही है, दूसरा तो बेसिकली हमें मेजर डिफरेंस तो यही है, वो मल्टीपल रोज के ऊपर एप्लीकेबल है। और बेटा इसके अंदर एग्जाम्पल जरूर मेंशन करना कि एग्जामिनर को पता लग जाए ये सिंगल रो वाला फंक्शन कौन सा है और मल्टीपल रो वाला फंक्शन कौन सा है। सेकंड पॉइंट इज, सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय क्लास। तो व्हेन यूज्ड अलोंग विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। तो ऑर्डर बाय क्लास तो बेसिकली ऑर्डरिंग के लिए होती है, आइदर इन द असेंडिंग ऑर्डर और बाय इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ग्रुप बाय क्लास क्या होती है? डाटा को ग्रुप करने के लिए। तो ग्रुपिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कॉमन ग्राउंड होनी चाहिए, डाटा में कुछ ना कुछ कॉमन होगा तभी वो ग्रुप होगा। जैसे जेंडर पे ग्रुपिंग हो सकती है, जो हमने एग्जाम्पल देखी उसके अंदर क्लास के ऊपर ग्रुपिंग हो सकती है। तो नेम के ऊपर तो ग्रुप करने का कोई लॉजिक ही नहीं है, बिकॉज नेम तो अलग के, हर स्टूडेंट के अलग अलग होते हैं। तो एक बेटा इसकी एग्जाम्पल, आप एक क्वेरी ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन दिया है, बड़ी इजीली आप इसकी एक एग्जाम्पल बना सकते हो। एग्जाम्पल ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। ठीक है, वहां पे भी ग्रुप बाय क्लास वहां से पिक करके आप बता दो वहां पे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में इसका आंसर दिया हुआ है। सो आई थिंक दैट इज एनफ फॉर द डे। 25 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे और वी विल ट्राई टू कि इन क्वेश्चन को मैक्सिमम बेटा प्रैक्टिकली करके देखो, दैट इज द बेस्ट वे। अगर हम थ्योरी के ऊपर ही फोकस करते रहेंगे, पढ़ पढ़ के आंसर करेंगे, सो दैट इज नॉट द बेस्ट वे टू आंसर दी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो अमनप्रीत एंड अतुल प्लीज ट्राई टू डू दीज क्वेश्चन प्रैक्टिकली और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पहले हम सारे क्वेश्चन की पेपर को देख लेंगे। एक चीज तो मेरे को जो लग रही है कि जिस बच्चे का सबसे अच्छा ग्रिप होगा कंसेप्ट के ऊपर, वो अच्छी तरह से आंसर कर पाएगा। जितना आपको प्रैक्टिकली आपको साउंड होगे, यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस वेरी करेक्टली। ठीक है जी, तो बेस्ट इसका वे है, ट्राई टू रन दीज क्वेश्चंस प्रैक्टिकली एंड नाउ वी विल मीट ऑन मंडे। थैंक यू बेटा। कोई क्वेरी है आपका, कोई क्वेश्चन है, कोई आपका पॉइंट है रिलेटेड टू पेपर, कोई भी पॉइंट है यू कैन आस्क, और अदरवाइज वी लीव द क्लास। ओके, थैंक यू बेटा। सर जेड़े क्वेश्चंस वाली शीट है वो भेज दियो बेटा, जो आपका कॉमर्स वाला ग्रुप है ना, कॉमर्स वाला ग्रुप। हाँ जी सर,
व्हाट्सएप वाला ग्रुप है जो जो आपका सारे कमर्स वाले स्टूडेंट्स है उसके अंदर मैंने शेयर किया हुआ है, अगर वो नहीं मिलता मैं फिर से मेरे को मैसेज करना, मैं सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है? ठीक है सर। ठीक, ओके बेटा।